गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में तय किया था कि आज हम अपना फ्री कंसेंट का चौथा एलिमेंट पढ़ेंगे, नाम था फ्रॉड। अब फ्रॉड सच में बड़ा फ्रॉड है। अब देखिए, जैसे ही मैं आपकी फ्रॉड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, तो हमने ये देखा फ्रॉड करना आसान है, समझाना मुश्किल है। पूछो क्यों? क्योंकि फ्रॉड की डेफिनेशन बहुत इंक्लूसिव फॉर्म में है, यानी बहुत बहुत बड़े पैमाने पे टर्म्स डाले गए हैं, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस को फ्रॉड में लाया गया है। और अगर कोई अग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी एक पार्टी का फ्रॉड करता है, फ्रॉड एलिमेंट लाता है, तो वो अग्रीमेंट को उसके इफेक्ट्स क्या होने हैं वो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एट लास्ट आप जब यहां से जाओगे, सबको फ्रॉड का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। अब इसके लिए आज का फ्रॉड का सिनेरियो शुरू करने के पहले मैं आपको दो पिक्चर पहले आपको दिखाना चाहूंगा, जो पिक्चर के सीन है दो आप देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ओके चलिए, तो पहले दो पिक्चर्स के सीन आप देखेंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं। शुक्र और शनि का जब मिलाप होता है तो जिंदगी में बदलाव आता है। खाना नहीं है, शक्तिशाली आदमी बन के। भाई साहब, वो इस बकरी को क्या पढ़ा सिखा रहे हो? अरे ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, भविष्य बताती है, बोलती है ये। एक बार बुलवा के दिखाओ। 1,00,000 रुपए लूंगा। क्या बात कर रहे हो, बकरी से बुलवाने का 1,00,000? विश्वास नहीं हो रहा ना बेटे, तेरे पूरे खानदान का भविष्य बताएगी। खरीदना खरीदना टूरी होले। लेकिन मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए हैं। आने दे बेटा, आने दे। क्यों थोड़ी दूंगा, पहले एक बार बुलवा के दिखाओ। ले अभी ले ले ले, आजा बेटा बकरी आजा। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अरे वाह वाह वाह, एक बार और भैया, एक बार और। हाँ एक और बार, एक और बार। जून से पहले कौन सा महीना? अरे वाह वाह, क्या बात है, ये तो कमाल का आइटम है भैया, ये तो कमाल का आइटम है। ये लो, आजा बेटा आजा। सुन सुनो भैया, क्या हुआ? जाने से पहले एक बार और, आजा एक बार। विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस एक बार। इसमें और तेरे में बकरी कौन? बोल बेटा, बोल 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 बोल। अरे बात है, घर वाले खुश हो जाएंगे। आजा बेटा आजा, आजा आजा। थैंक यू थैंक यू। ओके, तो ये एक आपका सिनेरियो था, अब एक और हम लोग देखेंगे। ओके एक और सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि आज फ्रॉड का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, मैंने आपको कहा था बहुत एक्सक्लूसिव फॉर्म में उसको दिया गया है, तो इसलिए पहले हम समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान देंगे। आई छे साइरस, वफादार है लेकिन काम खाने का, पीने का, सोने का और मजेदार लाइफ जीने का। और ये है, मुझे ये कुत्ता चाहिए। ये है हु इज प्रॉमिस। अरे आई तुम्हारे पास है छे। आर यो मारो डिक्रो टिंटिन टिंटिन, हेलो करो। हाय टिंटिन। वैसे तो शरीफ डिक्रो छे, लेकिन एक बार इसका दिमाग गया ना तो काट के ही छोड़ता है। और डिक्रा एक बात ख्याल रखना, कभी भी इसको ठंडा पानी से मत नलाना। लेकिन इसके यहाँ पे काला धब्बा नहीं है। अरे डोंट वरी, आर यू सॉल्यूशन। अरे आगे बात नहीं पढ़ते हैं, चलिए अभी पिक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन फिलहाल अपने को जितना सिनेरियो में दिखाया है उस विषय पे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो सीन दिखाए गए, राइट? अब दोनों सीनों में आप किस सीन को फ्रॉड बोलोगे, बताओ। सीनरी नंबर पहला की सीनरी नंबर सेकंड, दोनों फ्रॉड है? नहीं भाई, दोनों फ्रॉड कहां से आए? अब देखो सर, हम तो कंफ्यूज हो गए है ना। तो फ्रॉड का मतलब क्या है, हम पहले उस चीज को समझते हैं और फिर इस पिक्चर पे हम जाएंगे। देखिए ध्यान दो, समझो इस चीज को। अब फ्रॉड की डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉडर है, क्या है? ब्रॉडर। अब फ्रॉड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अब मैं आपको कौन से, अब देखो मैं आपको तीन स्टोरी बताऊंगा, किसमें फ्रॉड कमिट हुआ, किसमें नहीं हुआ, और किसे हम फ्रॉड कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। ये तीनों एक्टिविटीज में से आप हमें पहले बताओगे और फिर हम इसके हम ऊपर जाएंगे। देखिए अब सपोज फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मैं कौन, मिस्टर अंकुश। ओके अब सपोज क्या हुआ, एक पिक्चर सुना रहा हूं, समझो इसको एक मिनट।
सकते हैं ना? यस, हाँ। तो क्या हुआ, मुझे एक दिन किसी लड़की का कॉल आया और बोलती कि सर हम आपके SBI बैंक से बोल रहे हैं, हम आपकी कुछ KYC के लिए पर्सनल डिटेल मांगना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज फोन को काटना नहीं, आपकी पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ हमें। ऐसे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई तो भी लड़की बात कर रही थी मेरे को, उसने पूछा कि सर आपका आधार नंबर दीजिए, मैंने बोला नहीं देने का है। उसने पूछा कि सर आपका पैन नंबर, मतलब नहीं देने का है। प्लस सर अगर ऐसा आप हमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे। मैंने उनको बोला कि जो भी है मैं बैंक में जाके दूंगा। बाद में बैंक वाले के पास गया तो बैंक वाले के पास जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि बैंक की तरफ से ऐसा कोई कॉल नहीं आया था, वो कॉल फ्रॉड था। ऐसा बोलना तुम्हारा है सबका, बराबर कि नहीं? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस लड़की के ऊपर मैं क्या सू फाइल कर सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि उसने फ्रॉड कमिट नहीं किया तो ये फ्रॉड नहीं है। उसने फ्रॉड करने की कोशिश की, क्या की? और इस देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पे आप फ्रॉड करने की कोशिश में आपके ऊपर सू फाइल होती है। तो एग्जैक्टली फ्रॉड क्या है भाई? तो अभी तीन स्टोरी आपने देखी। पहली स्टोरी कौन सी देखी? पहली स्टोरी देखी बकरी मे करके वो बोलने वाली बकरी को बेच देता है, बराबर कि नहीं? तो क्या वो जो अक्षय कुमार ने वो बकरी ऐसे बोल रही है वो उसको 25-30 हजार में बेच देता है, तो क्या वो पहला केस जो हमने पढ़ा बकरी वाला, क्या वो फ्रॉड था? यस, वो फ्रॉड था। क्यों फ्रॉड था? क्यों फ्रॉड था? क्योंकि क्योंकि इंटेंशन वहां पे डिसीव करना था। क्या था? जब भी कोई पर्सन दूसरे पार्टी को अग्रीमेंट में रेडी करता है, एंटर करता है, वो एग्रीमेंट उनका हुआ, वर्बल हुआ, लेकिन हुआ अग्रीमेंट तो कहीं भी होता है, वर्बल रिटर्न सब में होता है, और उस अग्रीमेंट को एंटर करने के पीछे पहली पार्टी दूसरी पार्टी को इंटेंशनली डिसीव, यानी क्या डिसीव यानी क्या होता है? चीट करना, नुकसान पहुंचाना वो अगर करता है उस अग्रीमेंट के बाद, उस अग्रीमेंट के अंदर, तो तब हम उस केस में हम कहेंगे कि उस सामने वाली पार्टी को फ्रॉड हुआ। क्या हुआ? फ्रॉड। अब आप ही देखो, 5,000 रुपए की बकरी अगर 25,000 में चुपका दी उसने, तो बताओ ये इट्स अ वन टाइप ऑफ डिसीव, फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो अक्षय कुमार वाले केस जो पहला केस था, कौन सा वाला, जहां पे अक्षय कुमार ने बोलने वाली बकरी बोलकर उसको बेच दिया, तो वह हम उसको फ्रॉड बोलेंगे, बराबर कि नहीं? समझ में आया आपको? क्लियर। अब यहां पे जो मैंने दूसरा सिनेरियो आपको दिखाया, कौन सा वाला? सलमान खान वाला। अब सलमान खान वाला जब सलमान खान कुत्ता लेने गया, डॉग लेने गया, तो आपने अगर वो पूरी मूवी देखी होंगी शायद से मुझसे शादी करूंगी, तो उसमें वो प्रियंका का जो बप्पा था वो अपने कुत्ते को अपने बेटे की तरह करता है, अमरीश पुरी, उसका कुत्ता गायब होता है, तो नकली कुत्ता वही कुत्ता बनाकर लेके जाता है। अब वहां पे दो अग्रीमेंट हुए। पहला अग्रीमेंट हुआ वो कुत्ता बेचने वाला और सलमान खान का, जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन दूसरा अग्रीमेंट होता है जो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो पिक्चर बाकी अभी। कौन सा? जब सलमान खान अपने प्रियंका चोपड़ा को खुश करने के लिए पप्पा को ये कुत्ता देता है। तो अब आप नोटिस करो, अगर मैं दोनों स्टोरी की बात करूं, कौन सी दोनों की स्टोरी की, जहां पे बकरी बेचने वाला या कुत्ता बेचने वाला, तो जब कुत्ता बेचा गया तो फ्रॉड नहीं था। पूछो क्यों? क्योंकि कुत्ता बेचने वाले ने इंटेंशनली डिसीव नहीं किया और उसने मटेरियल फैक्ट को बताया हुआ है। मटेरियल फैक्ट कौन सा? मटेरियल फैक्ट था उसके अंदर बताओ, कि इसको ठंडे पानी से नहलाया कि ये भोखला जाएगा। और आपने अगर पिक्चर देखी होगी आगे की, तो याद करो अमरीश पुरी यही गलती करता है, इसको ठंडे पानी से नहलाता है और उसको काट देता है। आपने आगे की पिक्चर अगर देखी होगी इसकी, मैं एक बार देखता हूं, दिखाता हूं, देखो अगर मैं इस पिक्चर को कंटिन्यू करता हूं आगे, लेकिन इस बार करके मेरे पैर पकड़ लिए इसने। मुझे लगा मुझसे ये कह रहा है कि प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा?
आप पापा? अरे हाँ, हमारे बेटे जैसा ही तो है। टॉमी, थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच पापा। समीर की वजह से ही तो आज टॉमी घर आया है, अब तो माफ कर दो ना इसे। हाँ हाँ, माफ कर दिया, माफ कर दिया। ये क्या हो रहा है आँखों में तो? सनी बेटा, लसा लगता है। गली के गंदे कुत्तों के साथ रह के। ब्रेकफास्ट इज रेडी, आइए बैठिए। धोना नहीं है टॉमी को? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले टॉमी को नहलाऊंगा, बाद में नाश्ता करूंगा। पापा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं अभी आता हूँ। और टॉमी, हम नाई नहीं करेंगे। अब वो समीर का है, सनी जाके समीर को बुला लाओ ना प्लीज। मैं नहीं जा रहा उसके पास, वैसे भी वो लेट उठता रानी, खामा खा मारवा देगा मुझे। एक काम करो ना, तुम चली जाओ ना। अच्छा, मैं बुला के लाती हूं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। सॉरी, तुम्हारे आपको नहीं दिखाऊंगा। जान लड़के के साथ तुम रानी, तुम्हारी सखी कसम से जानता तक नहीं। ना जानना पहचान, तुम कैसे भी लड़की को बुला लोगे? सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। पहले तो तुम सिर्फ लड़की को जानते थे, अब तुम इस तरह में भी घुसा लिया। एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे दिखा कि उसके दोनों हाथ नहीं। क्या कर सकते, मैंने इंटरनेट बॉस करना ही नहीं। करो सड़क पे इसके साथ, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। एक से एक चिकनी पड़े। हाँ देखो कितने गंदे हो गए तुम, शाबाश। बहुत बीबा बेटा है हमारा, बहुत बीबा बेटा है, शाबाश शाबाश। अरे ये क्या, काला रंग? मतलब ये मेरा टॉमी नहीं है? ए, 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 जंगली कुत्ता है क्या? रमा, ए कुत्ते ने मुझे काट दिया। रमा, रमा, ये हमारा टॉमी नहीं है। रमा, ओके, अब इसके पीछे जो मुझे दिखा था, अब बताओ यहाँ पे दो सेलर थे, पहला जिसने बकरी बेची और दूसरा जिसने कुत्ता बेचा। अब दोनों में कुत्ते, जो कुत्ता बेचा वो भी डुप्लीकेट कुत्ता था, लेकिन जो बकरी बेच गई वो तो पूरी नकली बकरी थी, क्योंकि बोलने वाली बकरी है ही नहीं वो, बराबर कि नहीं? लेकिन दोनों केसेस में एक ने फ्रॉड किया, एक में फ्रॉड नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, हम आज उसको समझते पहले। तो अब मैं यहाँ पे फ्रॉड की डेफिनेशन आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली फ्रॉड हम कहते किससे। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है अच्छे से? देखो, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड। आप कभी भी आना, जब भी आपको एंड और इंक्लूड आता है साथ में, तो वो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव डेफिनेशन बन जाती है, यानी क्या, वाइड डेफिनेशन बन जाती है, यानी उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट ऐड हो जाते हैं, याद रखना हमेशा। तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय, यानी अगर इन जो नीचे दिए गए एक्ट है, फॉलोइंग एक्ट, उसमें अगर एक भी एक्ट कमिट हुआ किसके अंदर, अग्रीमेंट के अंदर, दोनों पार्टीज के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर, तो हम उसको फ्रॉड कहेंगे। पहला, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू अ, यानी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बन रही है विथ हिज कन्वेंस और बाय हिज एजेंट, या तो वो खुद कन्वेंस करे या उसका एजेंट द्वारा अगर कोई कन्वेंस करके अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है विथ एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, जो सामने वाले पार्टी इसको हमने अग्रीमेंट में लाया उसका नुकसान करना, ये इंटेंशन है नुकसान करना। नुकसान करने के लिए वर्ड यूज किया है डिसीव, क्या यूज किया है? और टू इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब था रेडी करना, क्या करना? हिम टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रेडी करके, तो उसको अपन बोलेंगे फ्रॉड। ये पहली कंडीशन है, ये इतनी बड़ी पहली कंडीशन है जिसको मैं पार्टीशन वाइज किया है, और यही आपके डेफिनेशन में एक बड़ी लाइन वाइज दिया गया है बस। अब आप देखो कितना इजी है ये, अगर हमने इसको पार्टीशन किया तो, सब दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत इजी है। तो पहला कंडीशन क्या है, सुनो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टी कन्वेंस हो जाता है खुद या तो उसके एजेंट द्वारा, जहां पे इंटेंशन है कि सामने वाले पार्टी को हम कन्वेंस कर रहे उसको नुकसान होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए, नुकसान जरूरी है, डेसीव वर्ड बहुत जरूरी है यहां पे, और वो डेसीव करने का जो वे है वो कैसे होना चाहिए, उसको अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करके, इंड्यूस करके। तो पहला ये एक फ्रॉड है, क्या ये फ्रॉड? नहीं तो आगे बता रहा है वो, फ्रॉड इज एन इनएक्टिव एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स यानी क्या, सुनो ध्यान दो, चलो मैं आपकी जो ICAI द्वारा बुक है वो भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन जो ICAI द्वारा बुक जो आपको दिया गया है ना, उसका कंक्लूजन ये है बेटा,
जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। समझ में आ रहा है कुछ तुमको? अब देखो बता रहा क्या है, फ्रॉड इज एन एक्टिव कंसीलमेंट। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि बहुत अच्छे तरीके से सच को छुपाना, बहुत अच्छे तरीके से सच को छुपाना, हाइडिंग अ फैक्ट। फैक्ट यानी सच्चाई। इट इज अ फॉल्स प्रॉमिस टू चीट अनदर। ये एक प्रकार का फॉल्स प्रॉमिस है, यानी अग्रीमेंट है जिसका इंटेंशन है कि मैं सामने वाले को धोखा दूं, चीट करूं, डिसीव दूं, तो फ्रॉड है। अब यहां पे ध्यान दो, समझो उस चीज को। अब यहां पे इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं। तो सर क्या ये दो स्टेटमेंट ही फ्रॉड है? नहीं, और भी बहुत सारी स्टेटमेंट है जहां फ्रॉड हम मानेंगे। अब वो कौन कौन सी स्टेटमेंट है, तो अब मैं आईसीए द्वारा डेफिनेशन जो दिया गया है वो क्या बोलता है, अब मैं उसको खोलता हूं। अब दो ये लाइन आपको समझ में आ गया, देखो इधर ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। आज यहां से जाओगे तो फ्रॉड लैंग्वेजली, लैंग्वेज से भी समझ में आ जाएगा और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब तुम ध्यान दो, देखो हाँ, तो फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी, पहले तो सिंपल भाषा में मैंने ऊपर लिख के दिया आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, देखो फ्रॉड ये पहला वाला आपको मैंने बता दिया, जो अभी बताया आपको मैंने, कि नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से सामने वाले पर्सन को या उसके एजेंट को हम जब रेडी करते हैं एंटर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो फ्रॉड है। क्या है वो? फ्रॉड। अब उसमें फ्रॉड तब कहलाएंगे जब ये पांच एलिमेंट जोड़े जाएंगे। पहला, द सजेशन एज द फैक्ट ऑफ विच ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। जब भी आप अग्रीमेंट के अंदर किसी को ये कॉन्फिडेंट में ला लेते हो कि ये सच्चाई है, लेकिन ये आपको पता है कि सच्चाई नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे फ्रॉड। जैसे अभी आपका बकरी वाला केस हुआ था, अक्षय कुमार को पता था कि बकरी बोलती नहीं है, सब मैं बोलती है, तो उसने जानबूझ के क्वेश्चन भी वही पूछे कि बेटा मई के बाद क्या आता है, और जून के पहले क्या आता है, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। बकरी कौन? मैं। सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी सामने वाले को पता है कि ये ट्रू नहीं है, लेकिन हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि ये सच्चाई बन जाती है, तो ये एक इंटेंशनली डिसीव करना ही हुआ, उसको अपन बोलेंगे फ्रॉड। देखो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है, ओनली इंटेंशन। इंटेंशनली अगर डिसीव करना है तो फ्रॉड, इनोसेंटली डिसीव हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन, और दोनों के अंदर क्लेम तब होगा जब दोनों में डिसीव होगा। अगर खुश है तो काय का फ्रॉड फिर? समझा आपको? क्लियर? हाँ। अब दूसरा है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ दैट। इसको इस तरीके से हाइड कर देना, सच्चाई को इस तरीके से हाइड कर देना कि सामने वाला तुम पर विश्वास कर ले कि नहीं भैया ये तो सच्चा कह रहा है। याद करो वो कैसे उछल रहा था, बोलने वाली बकरी, बोलने वाली बकरी, क्योंकि अक्षय कुमार ने उसको प्रेजेंट ही ऐसे किया, बिलीव हो गया सामने वाले को, तो बताओ वो फ्रॉड था। क्या था वो? फ्रॉड। दूसरा था अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिसका इंटेंशन तुमको परफॉर्म करना नहीं है, अटकाना है, अटकाना, फ्रॉड है। फ्रॉड एग्जाम्पल दू, सपोज मेरा खुन्नस है शुभम से, अब शुभम को एक प्रॉपर्टी बेचना है, अब शुभम को मैं गया दोस्त बन के और बोला शुभम एक काम करना, ये प्रॉपर्टी तू मुझे बेच, भाव बोल। बोला 50 लाख। मैं ठीक है एक काम कर, 5 लाख रुपए ले, अग्रीमेंट करते हैं, बिसार हुआ। अब मुझे उसको परफॉर्म करना ही नहीं है, मेरे को उसकी प्रॉपर्टी 50 लाख की अटकानी थी। अब मुझे बताओ वो प्रॉपर्टी का कोर्ट केस चल रहा है, अटक गई कि नहीं। अब उसने अगर ये क्लेम कर दिया कि इसका इंटेंशन ही अटकाना था एक्चुअली, तो मेरे को जज बोलेगा तूने फ्रॉड किया है, चल अंदर। अरे आ रहा क्या समझ में? तो अगर कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो जो तुमको इंटेंशन ही नहीं है परफॉर्म करना, अटकाना वाला काम है, उसको बोलेंगे फ्रॉड।
अब इसमें बहुत सारे ऑथर शादी वाला अग्रीमेंट करते हैं, शादी का, कि कोई किसने तुमको एंगेजमेंट कर दी लेकिन तुमको शादी नहीं करनी उसको, तो वो भी एक फ्रॉड है। क्या है वो? लेकिन शादी वाले अग्रीमेंट को थोड़ा हम यहाँ पे मतलब लॉजिकल सेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थोड़ी ना आएगा, वो तो मैरिज एक्ट के अंदर आएगा। हम बात ऐसी करें जो इसके अंदर सच में आए। अरे आ रहा क्या समझ में तुमको कुछ? दूसरा दिया है एनी अदर एक्ट फिटेड टू रिसीव, या कोई भी काम कर रहे हो जिससे नुकसान हो तो वो भी फ्रॉड कहलाएगा। और लास्ट बता रहा है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई ऐसी चीज जो जो आपको मना करता है लॉ की मत करियो मत करो मत करियो, तो भी उसको हम फ्रॉड कहलाएंगे। समझा गया आपको क्लियर? अरे आ रहा के समझ में? तो पांच स्टेटमेंट में हम फ्रॉड कहेंगे। पहला बोलो ऐसी सच्चाई बताना जो सच्चाई है ही नहीं लेकिन ये आपको पता है सामने झूठ है, लेकिन सामने वाले को आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि ये फैक्ट है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ दैट, जब कोई आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है आप उस तरीके से उसको हाइड कर लेते हो कि हाँ ठीक है ये बोल रहा है सही होगा, तो ये फ्रॉड है। तीसरा हमने देखा कोई प्रॉमिस ऐसा जो विदाउट इंटेंशन ही परफॉर्म करना फ्रॉड है, कोई ऐसा एक्ट जो नुकसान पहुंचाए वो भी फ्रॉड है, और कोई ऐसी चीज जो लॉ तुम्हें मना करे, देखो ओमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई चीज मना करने के लिए अगर कोई एक्ट मना करने के लिए अगर लॉ बोलता है तो अगर आप वो करते हो तो वो भी एक फ्रॉड है। क्या है वो? फ्रॉड। और फ्रॉड का एग्जिट मीनिंग है टू डिसीव मैन मेंस टू इंड्यूस पर्सन टू बिलीव दैट थिंग इज टू बी ट्रू विच इज फॉल्स। अरे आ रहा क्या समझ में? हाँ बोलो। हाँ देखो मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा तब जब इनोसेंटली होगा, यानी अक्षय कुमार को भी नहीं बताऊंगा कि ये बोलने वाली बकरी नहीं है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा। देखो अगर जो फ्रॉड कर रहा है पर्सन, वो अगर इनोसेंटली फ्रॉड कर रहा है तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, इंटेंशनली कर रहा है तो फ्रॉड। फ्रॉड से बचने के लिए सामने वाला वो मिस रिप्रेजेंटेशन ही क्लेम करता है। अगर वो आ गया ना फ्रॉड की लिस्ट में, वो बचने के लिए वो अपने आप को मिस रिप्रेजेंटेशन की कोशिश करेगा, लेकिन जज भी वहां पे कोई एरा गिरा नहीं है, बेटा वो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसने दुनिया देखी है। अब यहाँ पे अक्षय कुमार वाले केस में कोई हालत में वो मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। पूछो क्यों? उसने क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जो फ्रॉड वाले थे। अरे आ रहा समझ में कुछ तुमको? आया क्लियर में? अब यहाँ पे ये पांच स्टेटमेंट पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पांच स्टेटमेंट पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? नीचे जो दिया है वो बड़ी बात है। कौन सा? एक तो इफेक्ट्स क्या होता है, और दूसरा सुनो इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा मेयर साइलेंट का एक पॉइंट है जिससे आपकी केस स्टडी बनती है यहाँ पे फ्रॉड की। तो भाई पहले वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे। अब उसको पढ़ाने के लिए हम पहले स्टोरीज देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टोरी। अब इसके लिए वापस मैं वहीं जाता हूं जहां से मैं आया था आपके इसमें। देखो एक एक मूवी एक पिक्चर है एक स्टोरी है जिसमें फ्रॉड का केस दिखाया हुआ है। एक लड़का है बी नाम का, उसने किसको रेडी किया रे? इसमें केस है देखो, I have a car and I know that the condition of the car is very poor. दिख रहा है आपको? यानी क्या हुआ है? मेरे पास एक कार थी, उस कार की कंडीशन अंदर की इंटरनल कंडीशन बहुत डैमेज थी, और मैंने ये रियल में किया हुआ लेकिन फ्रॉड क्लेम नहीं हुआ है। वो अंदर की कंडीशन बहुत खराब थी क्योंकि वो जूनी कार थी, बहुत अंदर के अंजर पंजर इंजन विंजन सब फेल हो गए थे। क्या हो गए थे? फेल यानी एकदम टप्पर हो गए थे, टप्पर। But I did little expense on the coloring and exterior of the car so that it looks perfectly fine. और मैंने उस कार को चमकाया और चमका के बाहर से चमकाया पैसा लगा के थोड़ा बहुत, और कार ऐसे चकाचक दिखी लेकिन अंदर से वो डैमेज थी। But B is interested to buy my car. B नाम का एक व्यक्ति है जिसने मेरा इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे आपकी कार, अरे कार तो बहुत अच्छी है, बाहर से वो रेडी हुआ बेचने, मतलब इंटरेस्ट है कार खरीदने के लिए। हाउएवर आई इंटेंशनली डिड नॉट मेंशन द रियल फैक्ट एंड कंडीशन ऑफ द
कार टू बी, तब मेरा काम था बी को बताना कि बी मैंने सब कार को चमकाया है बाहर से, अंदर से नहीं, अंदर से इसकी इंटरनल डैमेज है बहुत ही, यानी इंटरनल जो पार्ट्स है इसके वो कभी भी ब्रेक फेल, कभी भी कुछ हो सकता है। ये था मटेरियल फैक्ट को हाइड करना। क्या बोला? मटेरियल फैक्ट को हाइड करना, समझ में आ रहा है? मटेरियल फैक्ट को हाइड करना। तो क्या ये फ्रॉड है क्या? विल द अमाउंट टू फ्रॉड, यस, इफ द बी गॉट इंड्यूस्ड एंड परचेज द कार इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि मेरा काम था उसको खरीद बेचने के पहले सब कुछ बताना, तो ये फ्रॉड है। अगर बी को कल को क्लेम किया तो मैं फ्रॉड के केस में आ सकता अंदर। अरे आ रहा क्या समझ में? अब यहां पे एक कंडीशन यहां पे है कि समटाइम्स मेयर साइलेंट विदाउट अ ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अब सर ये क्या है? सुनो, कभी कभी क्या होता है, कुछ नहीं बोलना फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन जहां पे अगर तुम नहीं बोल के मटेरियल फैक्ट हाइड कर रहे हो वो फ्रॉड है। जैसे कि एग्जांपल दूं, देखो सिंपल, ध्यान दो। यहां पे जब मैंने आपको ये पिक्चर में, मैंने सेकेंड वाली पिक्चर जो थी, कौन सी? डॉग वाली। इसमें दो अग्रीमेंट थे, अग्रीमेंट बिटवीन सलमान खान एंड डॉग सेलर, अग्रीमेंट बिटवीन अमरीश पुरी एंड सलमान खान। पहला अग्रीमेंट बात करते हैं, पहला अग्रीमेंट क्या था? डॉग सेलर एंड सलमान खान। डॉग सेलर ने जब डॉग बेचा तो उसने मटेरियल फैक्ट को बताया, वहां साइलेंट रहना सही नहीं समझा, इट इज नॉट फ्रॉड। उसने बताया ठंडे पानी पिलाओगे भोकला जाएगा, काट देगा, बताया। चाहता तो वो अपना कुत्ता ऐसे ही बेच सकता था कि नहीं, बिना बताए, तब वो फ्रॉड होता था क्योंकि मटेरियल फैक्ट को हाइड किया, तब साइलेंट रहना सही नहीं था। लेकिन जब दूसरा अग्रीमेंट हुआ, जब सलमान खान ने लाके अमरीश पुरी को दिया, देखा ना आपने, मेरा टॉमी आ गया, मेरा टॉमी आ गया, अमरीश पुरी नाचने लगा, वो उम्र में 70 की उम्र में, मेरा बेटा आ गया बोलने लगा, तो आप अगर नोटिस करोगे तो वहां पे मेयर साइलेंट था जो गलत था। समटाइम मेयर साइलेंट इज नॉट अ फ्रॉड, बट समटाइम मेयर साइलेंट इज अ फ्रॉड बिकॉज आप मटेरियल फैक्ट हाइड कर रहे हो। अब इसको एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, एक फैक्टफुली केस स्टडी थी, केस स्टडी, तो ध्यान दो, समझो। अब क्या हुआ, समझो उस चीज को, देखो। अब आपने ये वाली कहानी सुनी, इसमें मैं, कार वाली कहानी में मैं मेयर साइलेंट था, मैंने मटेरियल फैक्ट को हाइड किया, तो फ्रॉड है क्या? ये फ्रॉड। लेकिन एक केस और आया था हमारे सामने, एक मिनट, ये था केस वर्सेस वर्ड वर्सेस हॉब्स। अभी केस पर पढ़ता हूं, इसमें मेयर साइलेंट रहना इज नॉट अ फ्रॉड। पूछो क्यों? कैविट एंटर बायर बीवेयर, सोगा में आता है वो काम में आता है। अब सोगा का पैदाइश इससे हुआ है ना, किसे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को का बनावट है, वो यहीं से आया हुआ है। अब देखो समझो, हाँ, वो जो बाकी सेशंस आप देखते होंगे यूट्यूब पे और यहाँ पे, देखो कितना इजीली उसको एलैबोरेट किया, देखो ध्यान दो, समझो इसको। इन दिस केस हॉप्स सोल्ड वर्ड सम पिक्स विच वेयर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हॉप ने क्या किया, अपने कुछ पिक्स, विदेशों में पिक्स बिकते हैं, मालूम है आपको? हाँ, तो पिक्स किसको बेचने आया, वो वार्ड को बेचने गया, वार्ड को बेचने गया हॉप्स, ये कहकर कि देखो भाई ये तेरे सामने जैसा है वैसा रहेगा, मेरे को पूछना नहीं क्या है कुछ नहीं, चुपचाप भाई देख के ले। उसने पहले ही बोला, किसने बोला? किसने? एच ने, हॉप्स ने वर्ड को बोला कि देख के ले भैया पिक्स। सबको मेरी पसंद में आ रही है? द पिक्स वेयर सोल्ड सब्जेक्ट टू ऑल फॉल्ट्स, यानी पहले ही उसने बोल दिया, किसने? हॉप्स ने बोला वर्ड को कि भैया देख ये पिक्स है, देख पड़ताल कर, लगे तो आधा घंटा उनके साथ मजे ले, यानी मजे बोलो खेल कूद, समझ में आया तो ले,
बाकी बाद में रोने का नहीं, उससे पहले ही बोल दिया. एंड एच डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू फेवर फीवर ऑफ पिग्स टू वॉर्ड, यानी एच यानी हॉप्स और वॉर्ड की बात हो रही है. तो क्या किया हॉप्स ने वॉर्ड को ये नहीं बताया कि पिग्स को बुखार था, फीवर था, ये नहीं बताया, बराबर कि नहीं. तो यहां पे क्या हुआ, अप्लाइंग द रूल ऑफ कैविट एम्प्टर इट वॉज हेल्ड दैट द सेलर वॉज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज दैट द पिग्स वेयर हेल्दी. दिस वॉज नो फ्रॉड, देयर वॉज नो फ्रॉड. कुछ समझा? यहां पे हॉप्स ने वॉर्ड को ये नहीं बताया कि पिग्स जो थे वो बुखार में है, उनको बुखार है. उनको बोला जैसे है ये वैसे है, देख लो एक बार, देख लो लगे तो फिर लो. तो ये जो साइलेंट रहना इज नॉट अ फ्रॉड. तो हर बार मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड. आप अगर मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तो वो फ्रॉड है. अब बताओ पिग को बुखार होना ये स्वाभाविक है, बुखार अब इंसान है बुखार होता है, वैसे ही जानवर है बुखार होगा नहीं होगा, उससे ये मटेरियल फैक्ट थोड़ी ना. इससे अग्रीमेंट के अंदर कोई लॉस डिसीव होना नहीं है ना इंटेंशन. हाँ बताओ अगर पिग्स को बुखार है तो बुखार से कोई नुकसान थोड़ी ना, बुखार तो होगा नेचुरल है क्योंकि डेथ कब होंगी, आफ्टर अग्रीमेंट की बिफोर अग्रीमेंट, आफ्टर अग्रीमेंट हुई तो भी फ्रॉड नहीं हुआ. पूछो क्यों, आपका काम था देख के लेना. क्योंकि यहां पे फ्रॉड में एक सेलर जब फ्रॉड करता है बायर को तो सेलर यहां पे बायर बीवेयर के नाम से बच जाता है. बायर बीवेयर का मतलब है केविट एम्प्टर, यानी क्या होता है कि कोई भी बायर जब कोई चीज खरीदता है तो भैया तू देख के ले, तेरा अकाउंटेबिलिटी है ये, बाद में रोने का नहीं. और इसलिए सेलर आपको दिखा के अपना गुड्स बेच रहा है, अग्रीमेंट में आपको एंटर कर रहा है क्योंकि यहां पे उसका इंटेंशन डिसीव करना नहीं है. अरे आ रहा है समझ में? देखो पहले वाले केस में इंटेंशन क्या था, डिसीव, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कोई डिसीव करना नहीं है इंटेंशन, तो ये फ्रॉड नहीं है. तो समटाइम मेयर साइलेंट रहना इज नॉट अ फ्रॉड, बट समटाइम मेयर साइलेंट इज अ फ्रॉड. कब? जब आपका रिलेशन फिजियोथेरेपी में आता है. अब फिजियोसरी क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कहाँ पढ़ाया हुआ है बताओ, कोवर्शन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, सॉरी. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजियोसरी मैंने रिलेशन बताया था क्या होता है बताओ. यस, ट्रस्ट पे डिपेंड करता है. तो अगर ट्रस्ट पे डिपेंड करता है रिलेशन तो वहां पे साइलेंट मत रहो. पूछो क्यों, क्योंकि जो सामने वाला अग्री हो रहा है एंटर होने के लिए एग्रीमेंट, जिससे आप फ्रॉड कर रहे हो, जिसके साथ फ्रॉड कर रहे हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, तो उसमें आपको साइलेंट नहीं रहना चाहिए. हाँ बोलिए. सब्जेक्ट टू ऑल फॉल्ट्स, यानी वहां पे उसने बोल दिया कि देख के ले, बाद में रोने का नहीं, देख के ले, बाद में रोने का नहीं. अरे आ रहा था मैं आपको, ये बोलने के बाद फ्रॉड नहीं है. हाँ मैंने हाइड किया कुछ चीज, एकदम अच्छे तरीके से हाइड किया तो अलग बात है. मैंने क्या बोला, देख पड़ताल कर फिर ले, लेकिन मैंने फीवर का डिस्क्लोज नहीं किया यहाँ पे. मैं यहाँ पे मेयर साइलेंट था अबाउट फीवर, बट इन दैट कंडीशन नॉट फ्रॉड. अगर मेरे को वो कटघेरे में घसीटेगा कौन, अगर मैं हॉप्स हूँ और वॉर्ड अगर मुझे कटघेरे में घसीटेगा तो मैं उसको पहले ही बोल दूंगा कि भैया मैंने, सर मैंने देख के बोला था ले लो, ऐसे जबरदस्ती मैंने उसको थमाया नहीं कि ले नहीं पड़ता. लेकिन अगर यही रिलेशन फिजिकली होता था, अगर हॉप्स वॉर्ड मेरे ऊपर डिपेंड होता था, अगर मैं हॉप्स भाई नहीं सर आप दो, अच्छा ही दोगे, मुझे आप पे ट्रस्ट है, तो वहां पे मेयर साइलेंट होना फ्रॉड देगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन. हाँ यह पार्टी का रिलेशन तय करता है कि फ्रॉड कौन से केस में है कौन से नहीं. तो इसलिए हमेशा साइलेंट रहना इज नॉट अ फ्रॉड, और हमेशा साइलेंट रहना भी फ्रॉड माना जाता है सब्जेक्ट टू कंडीशन. अब वो सब्जेक्ट कंडीशन कौन सा है, समझा आपको क्लियर? जब आपने मटेरियल फैक्ट हाइड किया और तब साइलेंट हो आप, फ्रॉड, जैसे इस केस में हुआ. लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहां पे मैंने बोल दिया देख के ले,
अब मेरा काम नहीं है उसको बताना कि फीवर है कि नहीं। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं मौन व्रत धारित किया रिगार्डिंग टू फैक्ट। तो बताओ इज इट फ्रॉड? नो। समझा क्या? अब मैंने आपको आपके नोट्स में हॉर्स वाला एग्जाम्पल दिया है, आप अगर नोटिस करोगे। देखो मेन क्या है, समझाना मेन बात नहीं है, मेन है आपकी लैंग्वेज को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना एग्जाम्पल्स में। वो समझ में आ रहा है क्या? मेन मुद्दा वो है, ध्यान रखो। हम भी जब तुमको पढ़ाते तो हम बहुत बड़ा होमवर्क करके आते अपने लिए भी, ऐसा नहीं कि आए और शुरू हो गए, है ना, बहुत मेहनत रहती उसके लिए भी पीछे। देखो इधर टू डिसीव, अब देखो लिखा हुआ क्या है, द इफेक्ट्स। अच्छा अब इफेक्ट्स क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड माना गया केस का तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, तो हम लास्ट विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पहला, सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर कोई फ्रॉड क्लेम हो गया अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट सामने वाला कैंसल कर सकता है। कैंसल के लिए वर्ड यूज किया है बोला कौन सा? यस, तो अगर कोई अग्रीमेंट के अंदर फ्रॉड होता है तो पहला ऑप्शन है या तो रेस्टिंग हो सकता है यानी कैंसल। रेस्टिंग का मतलब क्या होगा? कैंसल यानी रद्द कर देना। दूसरा, आप सामने वाले को डैमेजेस क्लेम कर सकते हो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो। हाँ, फ्रॉड जिसके साथ हुआ उस पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर। तीसरा, सबसे मेन है इंस्टीट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है सर, ये तो गजब है। आप सामने वाले पार्टी को फोर्स करते हो कि मेरे को परफॉर्म करके दे। अभी अब हम परफॉर्म करेगा तो लॉस तो अपना ही है इसमें। हम परफॉर्म क्यों करें? परफॉर्म वो कंडीशन में करे जो कंडीशन बता के बेचा था। एग्जाम्पल दूं, देखो ये थर्ड वाली कंडीशन बहुत अच्छी है। अब यहां पे क्या हुआ, मैंने कार को चमकाया बाहर से और कहा कार मस्त है ऐसा वैसा, अंदर सब चकाचक ऐसा वैसा बोल दिया, उसको टर्म्स लिख के भी दिया बकायदा मैंने सामने वाले को, बी को। अगर उसने फ्रॉड क्लेम कर दिया बी ने मेरे प्रति कि कार बता के ऐसे बताया था उसने कि कार के अंदर ब्रेक ऐसे है, नए हैं, ये है वो है, इंजन तो एक नंबर है गाड़ी का, लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा इंजन ढपड़ा निकला, ये निकला वो निकला, बराबर कि नहीं? जो कंडीशंस एग्रीमेंट में आपने लाया था, अगर वो कंडीशंस से आपने जो कार बेची और वो फ्रॉड क्लेम हुआ, तो सामने वाला पर्सन आपको ये बोल सकता है कि मुझे अब उसी तरीके से परफॉर्म कर अग्रीमेंट को जो तूने मेरे को बता के भेजा था, जो चुपका के तूने मेरे को बेचा था ना, अब वही कंडीशन में मेरे को ये परफॉर्म कर, यानी मेरे को अब कार चाहिए कौन सी वाली, जो जो बता के दिया था ना भाई, इसमें इंजन नया है, ये है वो है, या अंदर ब्रेक शू नहीं है जो दिखती नहीं है, अब मेरे को परफॉर्म कर। और जज मुझे बाउंड कर सकता है कि भैया लिख के दिया था ना, अब परफॉर्म कर चल। हाँ हाँ, कभी कभी नहीं होता है कोई केस में, लेकिन कोई केस में हो सकता है परफॉर्मेंस। अब वो जज भी समझता है ना, किसका? हाँ हाँ बेटा, इट्स ऑल अबाउट क्लेम। इंडिया के अंदर आप क्या क्लेम कर रहे हो डिपेंड्स, अगर वो जीत जाता तो फ्रॉड कहलाएगा वो। अब आगे तो क्या अंदर है, देखो पार्टी में इंसिस्ट, सामने वाले को इंसिस्ट कर सकता है। कौन इंसिस्ट करता है? जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। इंसिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टू पुट हिम इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द प्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। जो आपने प्रेजेंट किया कि ऐसा है वैसा है, तो अब जो बोला है अब परफॉर्म कर, मेरे को तो भैया परफॉर्म करके चाहिए, तो जज बोलता कर अब परफॉर्म चल। और लास्ट वन इज वॉइडेबल। वॉइडेबल का केस मैंने आपको पहले पढ़ाया था, है ना, एबल टू वॉइड, यानी सामने वाले पार्टी को ऑप्शन देता है जज कि इसको यहाँ तो वैलिड कर यहाँ तो वॉइड कर। क्लियर पिक्चर? तो चार है, केस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, या परफॉर्मेंस के लिए बाउंड करता है कि जिस जो बता के तूने मेरे को बताया हुआ है वो कर, और चौथा जो रहेगा वो वॉइडेबल स्टेज में आ सकता है। वॉइडेबल का मतलब तुमको पता है क्या होता है पक्का अच्छे से? अब बताओ इसमें कोई डाउट है?
ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने नहीं कवर किया हो तो बताओ। ओके क्लियर। अब देखो हमारा सेशन हुआ ही कितना मिनट का, 40 मिनट का सेशन है, पूरा कवर हो गया इसमें। अब जो मैंने लिखवा के दिया ना इधर सब वही है। देखो अब यहाँ पे दो में ध्यान दो, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इज दैट इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, दैट इज सच पार्टी मे एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ ही सो चूजेस, जो इच्छा हुई तो उसको कौन कर सकता है। अब देखो आगे क्या है, मेयर साइलेंट। अब मेयर साइलेंट के लिए ना केस कट जाती है, आपको फ्रॉड में इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसके ऊपर आएंगे, याद रखना। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द पोजिशन टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉड। कभी कभार चुप रहना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए फ्रॉड नहीं कहलाता है, जैसे मैं आपको बताया पिग वाला एग्जाम्पल अभी है ना। अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। कभी कभी क्या होता है, साइलेंट रहना ही बहुत कुछ बोलना होता है, स्पीक करना होता है। और अनलेस इज साइलेंट इज इन द इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी अगर कभी हम चुप बैठे, चुप्पी ही हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बोलते ना चुप्पी में ही बहुत कुछ बोलना होता है कभी भी, तो वो अगर रहा तो फिर वो फ्रॉड है, अगर आपने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो। यानी जहां आपको साइलेंट नहीं होना है वहां आपको साइलेंट नहीं होना है, और जहां होना है वो कोई इशू नहीं है। अब एग्जांपल यहां पे दिया है, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच अ नोन नोस टू बी अनसाउंड पागल, एक पागल हॉर्स ए बेचता है बी को। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट अ फ्रॉड बाय ए। आप बात करो, देखो, परखो, फिर लो। अब देखो वहां दिया क्या, बी इज अ डॉटर, ध्यान दो, बी इज अ डॉटर्स एंड हैज जस्ट कम टू ऑफ एज, यानी 18 साल की हो गई, ए की डॉटर है वो। बी कौन है, हाँ डॉटर है किसकी, ए की, और वो 18 साल की हो गई अभी। हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट ए ड्यूटी टू सेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। यहां पे आ गया फिजिटरी रिलेशन, और अगर कोई फिजिटरी रिलेशन आता है तो वहां पे आप कोई अगर ऐसा कोई चीज बेच रहे हो जो आप साइलेंट रहते हो, तो वहां पे आपका साइलेंट रहना जो है वो फ्रॉड है। अब ए ए की बेटी कौन है, बी, तो बी अगर बेटी है उसकी और अगर वो हॉर्स खरीदती है तो भाई बेटी को बताओ ये तुम्हारा काम है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बेटी तो आके बन करके लेंगी ना, पापा जो देंगे वो सही है। तो वहां पे आ गया फिजिकल रिलेशन, तो वहां पे भैया साइलेंट नहीं होना, वहां पे फिर आप फ्रॉड कहलाओगे। आ रहा समझ में आपको, आप थर्ड पार्टी को बेच रहे हो, नॉट फ्रॉड, पूछो क्यों, वो जांच बायर बी वेयर, बायर बी वेयर, भाई बायर तू बी वेयर रहे, खरीदने के पहले जांच पड़ताल कर फिर ले, कोई मना ही नहीं है, बाद में एक क्लेम नहीं करना फ्रॉड हुआ मुझसे, रोना वोना नहीं बाद में, तो फिर फ्रॉड कहलाएंगा ना, डॉक्टर केस करेगी ना फिर, पप्पा ने धोखा दिया, समझा। आगे देखो इधर, अब आगे देखो कंडीशन, बी सेज टू ए इफ यू डो नॉट डिनाई इट, इफ यू डो नॉट डिनाई इट, अगर तुम नहीं डिनाई कर रहे हो, बी ने बोला किसको, ए को, बेटी ने पप्पा को बोला है ना, बेटी ने पप्पा को बोला I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A silent is equivalent to speech. Papa, तू एक बार बोल दे कि ये horse सही है, बैठ जा। मैं खुद ही horse लेके चलती, hill station जाती। Papa कुछ नहीं बोले, क्योंकि इस horse सही में सही नहीं था। तो कभी-कभी क्या होता है, silent रहना equivalent to speech है। यानी भाई वो indirectly indicate कर रहा है। तू मत ले, जैसे बेटी अभी 10 लोगों से पूछेंगी पापा ने बेचने के लिए हॉर्स निकाला, तो पापा को पूछती पापा ये हॉर्स लेके जाऊं मैं, अब उसको अंदर तो बताया ना कि अनसाउंड है क्या ये, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये इक्विवेलेंट टू स्पीच हुआ, तब ये फिर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड में नहीं आएगा। अरे आरा के समझ में, बेटी पूछ रही है खुद कि पापा सब बराबर लेके जाऊं ना हॉर्स, पापा कुछ नहीं बोल रहा है,
इन्हें समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ी है, तो वहां पे इक्विवेलेंट टू स्पीच हुआ ये, एकदम इजी दिया है देखो ना स्टोरी। और चौथी कंडीशन दिया हुआ है ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ये भी एक डी नंबर कंडीशन थोड़ा अलग मैटर निकालता है। अब इसको मुझे बताना तो मेरा फर्ज है भैया, मेरा तो ये ड्यूटी है, ये तो मेरा फर्ज है बताना। टाइम तो बहुत हो गया आज, सुनो अगर आप ट्रेडर हो, आप कौन हो? ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हो बराबर कि नहीं, और अगर आपको फ्यूचर की इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाव बढ़ने वाला है और आपने नहीं बताया तो फ्रॉड नहीं हो। एग्जांपल दू, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम अ ज्वेलर, मैं कौन हूं? ज्वेलर। नहीं आई और बोलती सर सोने की चेन दो, आज का भाव है 60,000 रुपए, कल होने वाला है 45,000 रुपए, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन आ गई अंदर इच, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं और मैंने आज उसको भेज दिया 60 में, कल 45 होने वाला, मेरे को इन्फॉर्मेशन आई थी लेकिन मैंने बताया नहीं उसको, तो क्या कल 45 हो गया तो नया जज को ये नहीं बोलती इसने फ्रॉड किया? क्यों? ये बिजनेस है क्या, ये तेजी मंदी तो चलता रहता है। मैं आपको बताऊं, तुम सर्च करो ना जाके, तो देखो ये लास्ट वाली कंडीशन वो बता रहा है, ए एंड बी बीइंग ट्रेडर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ चेंज इन द प्राइस विच वुड बी अफेक्ट बीज विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। समझा कुछ? अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, मुझे पता था कि आज अगर बोलूंगा कि 60 है कल 45 में चले जाएंगी, कल आती, मैंने कुछ नहीं बोला, तो बताओ ये फ्रॉड हुआ क्या? नहीं, ये मेरा ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी मेरी, क्या थी ये? हाँ हाँ, फिर फ्रॉड रहेगा अगर वो फिजिकल रिलेशन है तो, मेरे ऊपर डिपेंड है तो, तब नहीं है तो वही काय को मैं बोलूं, मैं अपना लॉस करूं, मेरे को तो महंगा आया हुआ है ना सोना, सही है कि नहीं? अरे आ रहा था कुछ, वही तो बिजनेस है क्या ये? तो फिर तो हर चीज में प्रॉब्लम लगा। क्लियर पिक्चर? तो ये इंफॉर्मेशन, किसी को डाउट है कुछ भी जरा से भी पूछ सकता है कोई भी। तो कभी कभी क्या होता है, साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच इज नॉट अ फ्रॉड। क्लियर? फिजिकल रिलेशन में साइलेंट इज द फ्रॉड, और मटेरियल फैक्ट को हाइड करना, साइलेंट रहना इज अ फ्रॉड, आइदर अदर केसेस मेयर साइलेंट इज नॉट अ फ्रॉड। याद रहोगे? Have a nice day. Take care.